अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चार तरह के अलग चॉकलेट मिल्क शेक रेसिपीज़। तो इसमें स्निकर्स मिल्क शेक, किटकैट मिल्क शेक, चोकोबार मिल्क शेक, डार्क चॉकलेट मिल्क शेक। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लीटर दूध को गर्म कर लेंगे और उसके बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो मिल्क शेक बनाने के लिए एकदम ठंडा दूध लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोकोबार मिल्क शेक। तो ब्लेंडर जार में हमने चोकोबार डाल दिया है और इसके साथ में ऐड करेंगे शक्कर 1 टेबल स्पून, 1 कप मिल्क, कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, 4 आइस क्यूब्स डालेंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है और अब हम एक सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट कर लेंगे इस तरह से। तो ग्लास के अंदर अब हम मिल्क शेक ऐड कर लेंगे और इसके ऊपर से वनीला आइसक्रीम डाल देंगे, थोड़े से चोको चिप्स ऐड कर लेंगे और अब ये चोकोबार मिल्क शेक बन के तैयार हो गया। और अब हम बनाएंगे किटकैट मिल्क शेक। तो ब्लेंडर जार में हमने आइस क्यूब्स को ऐड कर लिया है, 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर लेंगे और 1 कप दूध किटकैट चॉकलेट ऐड कर लेंगे। चॉकलेट आइसक्रीम ऐड कर लेंगे 1 स्कूप और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड कर लेने के बाद में अब हम सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क शेक, चॉकलेट आइसक्रीम डाल देंगे इसके ऊपर से और किटकैट के पीसेस को तोड़ के हम इस तरह से इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे, थोड़े से चोको चिप्स भी ऐड कर लेंगे। किटकैट मिल्क शेक तो बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे स्निकर्स मिल्क शेक। तो ब्लेंडर जार में हमने कोको पाउडर ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून, आइस क्यूब्स ऐड कर लेंगे 4 और स्निकर्स चॉकलेट है ये, दूध ऐड कर लेंगे 1 कप, शक्कर 1 टेबल स्पून, आइसक्रीम ऐड कर लेंगे चॉकलेट आइसक्रीम 1 स्कूप ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे हम। और अब हम सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट कर लेंगे इस तरह से। मिल्क शेक ऐड कर लेंगे इसके अंदर, वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे इसके ऊपर स्निकर्स के पीसेस रख लेंगे इस तरह से। तो स्निकर्स चॉकलेट मिल्क शेक तो बनके तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे डार्क चॉकलेट मिल्क शेक। तो ब्लेंडर जार में अब हम डार्क चॉकलेट के पीसेस ऐड कर लेंगे, 1 कप मिल्क ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर लेंगे और 4 आइस क्यूब्स, वनीला आइसक्रीम 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून चॉकलेट आइसक्रीम ऐड कर लेंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से कोट कर लेंगे इस तरह से और इसके अंदर मिल्क शेक ऐड कर लेंगे, वनीला आइसक्रीम डालेंगे इसके ऊपर से, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट को ग्रेट करेंगे इस तरह से, थोड़े से चोको चिप्स ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए चारों मिल्क शेक भी बन के तैयार हो गए। तो हम इसके ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल देंगे इस तरह से। तो ये चारों भी मिल्क शेक की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।